हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मक्का की एक वैरायटी के बारे में, और उस वैरायटी का नाम डिकाल्वो 9108+ है। तो आज हम मक्का की डिकाल्वो 9108+ वैरायटी के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी है, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसकी जब भी हम बुवाई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, इसको हम किस प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, इसकी कीमत क्या है, तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कहते संबंध में नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें न तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मक्के की वैरायटी के बारे में, और उस वैरायटी का नाम डिकाल्वो 9108+ है, जो कि ये बायर कंपनी की ये मक्का है, और ये वैरायटी एक हाइब्रिड है। इस वैरायटी की जो फसल अवधि होती है वो लगभग 80 से 90 दिन की होती है। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी का जो भुट्टा है वो पीले रंग का होता है। इस वैरायटी के जो दाने होते हैं वो लंबे, मोटे और काफ़ी वजनदार होते हैं। भुट्टे पकने के बाद भी इसका पौधा काफ़ी हरा रहता है, और इसके दाने काफ़ी चमकीले होते हैं। चमकीले और आकर्षक होने के कारण इसका भाव मंडियों में काफ़ी अच्छा मिलता है। इस वैरायटी में गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है। दाना बनते समय यदि गर्मी तेज भी हो जाती है तब भी दाना इसमें भरपूर बनता है, और इस वैरायटी को आप जायज़ सीजन में लगा सकते हैं। जायज़ सीजन के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। देसी हल के द्वारा भी इसकी आप बुवाई कर सकते हैं, चुबाई के द्वारा भी इसकी बुवाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि आप बुवाई कर रहे हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2 फीट होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट होनी चाहिए। इस वैरायटी में जो दानों का जो घनत्व है वो काफ़ी सघन होता है। इस वैरायटी की बीज दर की यदि हम बात करें तो इसकी प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 6 से 7 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसके एक पैकेट में 4.5 किलो बीज निकलता है, और इसके 4.5 किलो के पैकेट की कीमत लगभग 2200 रुपये से लेकर 2400 रुपये के बीच में लगभग होती है, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें भी हो सकती हैं। और आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इस वैरायटी को भारत के सभी राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सभी राज्यों में आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। और इस वैरायटी को आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों, जैसे दोमट, बलुई दोमट, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। तो ये डिकाल्वो 9108+ जो कि मक्का एक हाइब्रिड है, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और इस वैरायटी को आप जायज़ सीजन में लगा सकते हैं और अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो ये रही डिकाल्वो 9108+ मक्का से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।